नमस्कार दोस्तों, इस चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी मैं लेके आया दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बबूल की फली के बारे में। ये बहुत ही शानदार इसके फ़ायदे हैं और इसके जान के आप कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। बबूल की फली का पाउडर भी मिलता है और बबूल की पत्ती खाने के फ़ायदे ही बहुत होते हैं, तो आज जानते हैं उसके फ़ायदे क्या क्या है। दोस्तों, बबूल की दो फलियाँ खाकर ऊपर छाछ या मट्ठा पीने से अतिसार मतलब दस्त लगने की जो परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है दस्त लगने में। बबूल के बीजों को पीसकर 3 दिन तक शहद के साथ लेने से अस्थि भंग दूर हो जाती, जो हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाती है। और बबूल की फलियों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन लेने से अगर आपकी हड्डी की समस्या है तो हड्डी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि हड्डी टूटने की समस्या, हड्डी चटकने की समस्या, ये सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, बबूल की फलियाँ आमतौर पर मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो बहुत फायदेमंद है। इसके पेड़ की छाल और लसोड़े के बीज को एक साथ पीस ले। इस मिश्रण को दूध के साथ पीने से खून का बहाना एकदम रुक जाता है। अगर आपको असहनीय दांत का दर्द है तो बबूल के फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख में नमक मिलाकर मंजन करने से दांत का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, शारीरिक शक्ति और कमजोरी मिटाने के लिए बबूल की फलियों को खाया जाता है। बबूल की फलियों को जो है छाया में सुखा लें, इसे बराबर मात्रा मिश्री मिलाकर पीस लें और इसे 1 चम्मच मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से पानी के साथ लें। इस लेने से तो शारीरिक शक्ति दूर होगी, कमजोरी दूर होगी और आपको कहीं ना कहीं दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। पेशाब की अधिक मात्रा में आना, अगर आपको भी पेशाब अधिक मात्रा में आती है तो बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसे घी में तलकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को 3-3 ग्राम मात्रा में रोजाना सुबह शाम सेवन करें तो पेशाब का जो रुक रुक के आना, अति आना, ये सब आपको दूर हो जाएगी। दोस्तों, बबूल के बहुत सारे फायदे। दोस्तों, बबूल अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि का गुण पाया जाता है। बबूल का उपयोग करने से जो है कहीं ना कहीं आपको जो परेशानी है वो दूर आती है। दोस्तों, वैसे बबूल जो छोटे और बड़े वृक्ष भारत में सब दूर पाए जाते हैं, आमतौर पर जंगलों में और गाँव के बाहर खेत खलिहान में देखने को मिलते हैं। इस वृक्ष में कांटेदार 10 से 15 फुट ऊँचा होता है, जो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। इसमें पीले रंग के फूल अगस्त सितंबर में आते हैं और गर्मियों में इनकी फलियां आती है। 3 से 6 इंच लंबी और आधा इंच चपटी जो है इनकी बीजों को फायदे होते हैं। दोस्तों, ये लोग बीजों का उपयोग जो है बहुत तरीके से करते हैं और बीजों का उपयोग जो है सपना दोष दूर करने के लिए भी किया जाता है, पीलिया को दूर करने के लिए किया जाता है और खूनी दस्त, दत्त रोग, खांसी ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कुछ लोग इसको पलकों के बाल पैदा करने के लिए भी बबूल का उपयोग किया जाता है। कोमल और कच्ची पत्तियों को मसलने से जो चिकना सा द्रव निकले उसे बाल विहीन पलकों पर सुबह शाम मलते रहें तो कुछ दिनों में आपके जो पलकों के बाल बहुत अच्छे आएंगे। शीघ्र पतन प्रमेह होने का बबूल उपयोग किया जाता है। कोमल कोपलों की छाया में सुखाकर पीस लें। इसमें मिश्री मिलाकर 1 चम्मच मात्रा में 3 से 4 हफ्ते में सुबह शाम सेवन करें तो शीघ्र पतन की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीर्य विकार, धातु दुर्बलता के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको मिश्री के साथ पीस लें और इसका उपयोग करें सुबह शाम तो बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, एक बार इसको उपयोग करके देखें, आपको रिजल्ट खुद ब खुद नजर आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।